रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को एक साल पूरा होने वाला है, लेकिन इस भीषण युद्ध के रुकने के आसार अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा धमाका कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोचा भी नहीं होगा कि बाइडेन इतना बड़ा खेल कर देंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड के दौरे पर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका विमान यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में पहुंचा, अचानक बाइडेन ने एक ऐसी चाल चल दी जिसे देखकर पुतिन सन्न रह गए होंगे। जो बाइडेन पोलैंड जाने से पहले कीव पहुंच गए और पुतिन को एक बड़ा संदेश दे दिया। यूक्रेन पहुंचकर बाइडेन ने यूक्रेन को और मदद देने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह यूक्रेन के और भी ज्यादा और नए हथियार मुहैया कराएंगे। उन्होंने यूक्रेन की रक्षा के लिए एयर सर्विलांस रडार देने का भी ऐलान किया। जानकारों का कहना है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अचानक कीव पहुंचकर पूरी दुनिया को यह संकेत दे दिया है कि अमेरिका यूक्रेन का समर्थन करता है और करता रहेगा। आपको बता दें, यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। जो बाइडेन के साथ जेलेंस्की की मुलाकातें पहले भी हुई हैं, लेकिन यह पहली बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति कीव पहुंचे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जो बाइडेन का कीव पहुंचना काफी अहम है, क्योंकि अभी तक अमेरिका दूर से ही यूक्रेन को सैन्य सहायता पहुंचाता रहा है, लेकिन अब युद्ध के बाद अचानक से जो बाइडेन का यूक्रेन पहुंचना किसी बड़ी रणनीति की ओर इशारा करता है।